अष्ट विनायक उनमें से एक मंचामन गणेश हैं जो रुद्धि सिद्धि के साथ विराजते हैं। ये मन की कामना पूर्ण करते हैं। भगवान मूषक वाहन है और उसके ऊपर कमल का पुष्प है। कमल के पुष्प पे लक्ष्मी स्वरूप भगवान गणपति जी विराजमान है और रिद्धि सिद्धि माता साथ में विराजित है। ये भगवान ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित जब सृष्टि की रचना हुई थी तब अवंतिका भूमि जो है भगवान ने एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत की थी ब्रह्मा जी ने, जिसमें सात सागर, नौ नारायण, षट विनायक और गंगा शिप्रा नदी आदि समस्त नदियां अवंतिका की भूमि के नीचे जो है गुप्त रूप से निवास करती है और भगवान महाकाल यहाँ पर तपस्या के लिए आए और यहीं पर विराजमान हुए। अभी किस तरह की पूजा यहाँ पर रोज प्रतिदिन की जा रही है? नित्य प्रतिदिन सवेरे प्रातः आरती पूजन होता है भगवान का, अथर्वशीर्ष पाठ अभिषेक पूजन होता है, मध्याह्न में 11 ब्राह्मणों द्वारा नित्य 1000 पाठ अथर्वशीर्ष के किए जाते हैं और इसका एक हम बड़ा हवन होता है। कुछ ऐसी कहानी है जो इस मंदिर से जुड़ी हुई है जो आप बता पाएंगे? ये भगवान ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित है अवंतिका में स्कंद पुराण में वर्णित है। अवंतिका खंड में ये उज्जैन महाकाल से त्रिवेणी के मध्य अग्नेय कोण में भगवान स्थित है। इसी समय में यहाँ पर इनकी साधना बड़ी कठिन होती थी क्योंकि चारों ओर यहाँ तलाई में पानी भरा हुआ होता था और यहाँ आने के लिए मार्ग, भक्तों के लिए मार्ग बड़ा प्रशस्त होना बड़ा मुश्किल था। लेकिन फिर भी किसी समय भक्तों के द्वारा यहाँ पर कैसे भी कठिनाइयों को सामना करके भक्त यहाँ तक पहुँचते थे। पूर्व में यहाँ पर कम लोग आते थे, पर जब से हमारे परिवार पूर्वज पूजन करते आए और मैं जब से गुरु की कृपा से बैठा तो आज यहाँ पर मेला लगता है और प्रति बुधवार को जो 5 बुधवार यहाँ यात्रा करता है और मोदक का हवन वगैरह पूजन करवाता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये मंचामन नाम की शुरुआत कैसे? मन की इच्छा पूर्ण करने वाले भगवान। और उज्जैन में जो षट विनायक है उनकी बैठक नीचे धरती के ऊपर है, ये धरती से कुछ ऊपर ये सिद्ध विनायक हैं, इसलिए धरती से कुछ इनका ऊपर स्थान है और ये भगवान सिद्ध विनायक है जो मन की कामना पूर्ण कर देते हैं। किसी भी तकलीफ में कोई भी आता है उसका कोई भी कष्ट होता है वो पूर्ण होता है और गुरु की कृपा से मुझे भी कुछ ऐसा आशीर्वाद है कि इस आसन पर बैठने के बाद मैं कुछ आशीर्वाद दे देता हूँ तो भक्त की कामना पूर्ण हो जाती है। जैसे कोई व्यवसाय के लिए करता है, कोई व्यापार के लिए करता है, कोई संतान के लिए करता है, अनेक कष्ट संसारिक जीवन में मनुष्य की कामनाएँ रहती है और अनेक तृष्णाएँ रहती हैं, उनको भगवान पूर्ण करते हैं और जिस पर आशीर्वाद भगवान का हो जाता है मैंने ये देखा है कि भगवान उसको 1 घंटे में भी उसकी कामना पूर्ण कर देते हैं। मैं अवंतिका तीर्थ पुरोहित, वैदिक आचार्य पंडित आशुतोष शास्त्री, पुजारी मंचामन गणेश मंदिर उज्जैन से। अच्छा, आप यहाँ प्रतिदिन आते हैं जी? किस तरह की मनोकामना यहाँ पूर्ण होती है? मेरी आज तक सारी मनोकामनाएं पूर्ण हुई हैं। कोई एक जो आप बता सकते हैं? नहीं, बताने की वो नहीं है। तो ये जानना चाहूँगा आप मंचामन पर। सर मुझे कम से कम 40 साल हो गए सर। मैं उस समय से यहाँ से मंचामन में आ रहा हूँ जहाँ पे एक पगडंडी का एक मतलब मुश्किल से 5 फीट की चौड़ाई वाला रास्ता था सर, कच्चा था। यहाँ पे बारिश के समय गाड़ी भी फिसल जाती, पैदल भी आना पड़ता था। इस प्रकार से मेरे को करीब लगभग 40 साल हो गए सर। तो 40 साल में कोई ऐसी कहानी जो मंचामन जी से जुड़ी हुई हो जो वाकई में आपको एकदम याद करते तो बिल्कुल ऐसा लगता होगा कि हाँ आपके जीवन की बहुत महत्वपूर्ण चीज़? सर मेरे जीवन में सर मैं भी प्रॉपर्टी का भी काम करता हूँ सर और मैं पूरे शहर से मतलब रूबरू हूँ, पर जितनी जल्दी मंचामन कॉलोनी का विकास हुआ और इस बिल्ड का विकास हुआ सर, मैंने मेरे होशों में मतलब मेरी जानकारी में अभी तक ऐसा मेरे को लगा नहीं कहीं भी। और इस कॉलोनी की एक ये विशेषता है कि सर यहाँ पे जो भी व्यक्ति आया एक भी व्यक्ति दुखी नहीं है। यहाँ पे दुख लेकर के जरूर आया यहाँ पे, परंतु यहाँ आने के बाद में उसकी सारी समस्याएं सर ख़त्म हो गई और मैं इस भूमि को एक देव भूमि के रूप में देखता हूँ सब, और मैंने इसको महसूस भी करा था। आपका शुभ नाम? मेरा